कोसी तट पर अवैध खनन करते दो ट्रैक्टर चालकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के ट्रैक्टरों को भी पुलिस ने किया जब्त। रंगरा के सधवा गांव में कोसी तट पर सफेद बालू का अवैध खनन करते हुए दो ट्रैक्टर चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों ट्रैक्टरों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार चालक रंगरा निवासी अजय कुमार मंडल और सधवा निवासी ब्रजेश कुमार पाल है। दोनों को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की बाबत खनिज विकास पदाधिकारी सर्वेश कुमार के लिखित बयान के आधार पर रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सर्वेश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोसी तट पर सफेद बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पर उन्होंने रंगरा पुलिस के सहयोग से छापेमारी की तो मौके से दो ट्रैक्टरों के साथ दोनों चालकों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में दोनों ट्रैक्टरों के मालिक रंगरा निवासी प्रिंस यादव और सियाराम मंडल को भी नामजद किया गया है। सर्वेश कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत में खनिज संपदा का दोहन करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भी गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि दोनों ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंदरौनी चौक से एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। रंगरा थाना क्षेत्र के मंदरौनी राष्ट्रीय राजमार्ग चौक पर पुलिस ने पूर्णिया से नवगछिया की तरफ जा रहे एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने बरामद किए गए शराब के साथ पिकअप वैन को जब्त कर लिया है तो चालक को भी मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक पूर्णिया जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी जितेंद्र सहनी है। पुलिस ने पिकअप वैन से मैकडोवल नंबर 1 और इंपीरियल ब्लू ब्रांड की कुल 237 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पिकअप वैन से कुल 21 कार्टून में 743 बोतल शराब बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि चालक से पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। रंगरा आधार सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़, बड़ी संख्या में लोगों का नहीं हुआ काम, मायूस होकर लौटे घर। रंगरा आधार केंद्र का इन दिनों लोग रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर दिन लोगों को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। कोई दो दिन से लगातार आ रहा है तो कोई पांच दिन से लगातार आधार सेंटर पर आ रहा है। आधार कार्ड बनवाने आई सविता देवी ने कहा कि घर गृहस्थी में कामकाज रहने के बावजूद वह तीन दिनों से रोजाना आ रही है, लेकिन हर दिन उसे लौटा दिया जा रहा है। ललिता देवी, खुशबू देवी, संजय कुमार ने बताया कि हर तरह के सरकारी काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कार्ड बनवाने या इसमें सुधार करवाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों को बेवजह लाइन में खड़ा करके परेशान किया जा रहा है। लोगों को हो रही दिक्कतों की सूचना जब प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिली तो उन्होंने आधार केंद्र कर्मी को अपने कक्ष में बुलाया और जल्द से जल्द कार्य निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कार्य क्षमता से अधिक आ जा रहा है, जिसके कारण क्षमता से ज्यादा आए लोगों का काम समय से नहीं हो पा रहा है। आए दिन इसमें सुधार किया जाएगा। रंगरा पुलिस ने मारपीट मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछले वर्ष 11 नवंबर को कोसकीपुर गांव में हुई मारपीट मामले में कोसकीपुर निवासी श्याम शाह और रुपेश शाह को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा थाना के थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल तीन लोगों से लिया 150 रुपया जुर्माना। रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल तीन लोगों से 150 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि थाना क्षेत्र में रोजाना मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें और घर से निकलें तो मास्क अवश्य पहन लें।